a material can exist in different states, and we have studied that there are three states we know. One is solid, liquid, and vapor or gas. So there are three states. एक ही ऑब्जेक्ट की तीनों स्टेट हो सकती है. ये जो एक ऑब्जेक्ट की एक मटेरियल की तीन स्टेट हो सकती हैं, ये किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है, ये उसके अंदर की एनर्जी पे डिपेंड करता है, उसके वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने कितने नजदीक रहता है एक दूसरे मॉलिक्यूल, एक दूसरे के कितने पास में है, एक दूसरे को कितने जोर से पकड़ रहे हैं, फील लगा के एक दूसरे को कितना जोर से खींचते हैं. इस पर डिपेंड करता है कि उसकी स्टेट सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैसेस होगी. जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और हमने उनका डिस्टेंस बहुत कम कर दिया. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाता है और उसको खींच के रखता है. तो पहला मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब एक दूसरे पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा के खींच के रखते हैं. अब मैं इस मॉलिक्यूल को पकड़ के ऐसे ऊपर उठाता हूं, तो मैंने इस मॉलिक्यूल को पकड़ा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल भी ऊपर जा रहा है. क्यों ऊपर जा रहा है? इस पर तो मैं फोर्स नहीं लगा रहा. तो आंसर है कि इस मॉलिक्यूल ने इसको पकड़ा, इसने इसको पकड़ा, इसने इसको पकड़ा हुआ है और इनके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा है. जब इतना ज्यादा फोर्स होता है कि हम एक मॉलिक्यूल को उठाएं, दूसरा साथ में उठ जाए, तो इसकी स्टेट होगी सॉलिड. दूसरा, अगर ये फोर्स कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, एक ग्लास में, एक कटोरी में हमने पानी लिया, पानी ऐसा कंटिन्यूअस पानी है, उसमें से हमने पानी के इधर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ा और पकड़ के ऐसे उठाया. जो मॉलिक्यूल हमारे हाथ में है वो तो ऊपर आता है, पर वो अपने बाजू वाले मॉलिक्यूल को नहीं उठा सकता. क्यों? उनकी ताकत कम है. जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं ये लिक्विड है. लिक्विड में उन दोनों के बीच का फोर्स कम रहेगा, लेकिन इतना रहेगा कि वो इकट्ठे रहें और जैसी शेप होगी, बर्तन की जैसी शेप होगी, उसी शेप में वो फ्लो कर सकता है, लेकिन वो उड़कर ऊपर नहीं जाएगा. इतनी ताकत नहीं होती. इतनी ही ताकत होती है कि ग्रेविटी में वो नीचे बैठेगा, ग्रेविटी के फोर्स से सभी नीचे बैठेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन दूर नहीं जा सकते, लेकिन एक दूसरे पर ज्यादा जोर नहीं लगा सकते. अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो इसमें हमने ज्यादा एनर्जी दी है, ज्यादा एनर्जी देने से इनका डिस्टेंस दूर हो गया. तो सॉलिड में कम एनर्जी होती है, डिस्टेंस कम होता है, फोर्स ज्यादा होता है. लिक्विड में हमने और एनर्जी दी तो एनर्जी का लेवल कैसा हो गया? हाई. लेकिन डिस्टेंस कैसा हो गया? इंक्रीज्ड. डिस्टेंस इंक्रीज होने से उनके बीच का फोर्स कैसा हो गया? कम. कम फोर्स होने से एक मॉलिक्यूल दूसरे को नहीं पकड़ता. ये कौन सी स्टेज है? लिक्विड. और ज्यादा एनर्जी हमने दी. अगर और ज्यादा एनर्जी दे दी तो उसमें वाइब्रेशंस इतने बढ़ जाते हैं कि हर पार्टिकल अपना उड़ते हुए चला जाता है, स्पेस में कहीं भी उड़ते हुए चला जाएगा, और डिस्टेंस उसका और ज्यादा इंक्रीज हो गया. डिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज होने से उनके आपस का फोर्स कैसा हो जाएगा? और कम हो जाएगा. एक की दूसरे पर बिल्कुल पकड़ नहीं, एक दूसरे को बिल्कुल होल्ड करके नहीं रख सकता है. डिस्टेंस ज्यादा हो गया है और एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो ऐसा मूव करता है कि कहीं से भी निकल के एटमॉस्फेयर में चला जाता है. ये कौन सी स्टेट हो गई? गैस. ये कौन सी स्टेट है? गैस की स्टेट है. तो तीन स्टेट होती है, तीनों में आपको फोर्स और एनर्जी, इसको ध्यान में देना है. फिर से, एनर्जी किसमें सबसे कम होती है? मॉलिक्यूल्स में, सॉलिड. डिस्टेंस कैसा होता है? सबसे कम. फोर्स कैसा होता है? ज्यादा. इसलिए उसकी स्टेट कैसी बन गई? सॉलिड. और सॉलिड की प्रॉपर्टीज आपने क्या पढ़ी है? शेप कैसी है? फिक्स. साइज भी कैसा है? फिक्स. ओके. इसके बाद हमने उसको मॉलिक्यूल्स को और एनर्जी दी, उनके वाइब्रेशंस बढ़ गए,
एनर्जी देने से एनर्जी बढ़ गई और उनका डिस्टेंस बढ़ गया। कौन सी स्टेज आ रही है? तो बताइए लिक्विड की एनर्जी सॉलिड से कैसी होगी? ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा। आपस में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज क्या बन गई? उसकी प्रॉपर्टीज शेप और साइज के बारे में बताइए। साइज फिक्स, शेप नॉट फिक्स। फिर से, सॉलिड में साइज भी फिक्स और शेप भी फिक्स, लिक्विड में साइज फिक्स है। एक लीटर लिक्विड एक लीटर ही रहेगा, लेकिन शेप उसकी बर्तन के अनुसार बदलती जाएगी। ये उसमें हो गया। ओके, अब तीसरा गैसेस। गैसेस में एनर्जी का लेवल सबसे ज्यादा, ठीक है। डिस्टेंस ज्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो गया। साइज और शेप के बारे में बताइए। नो साइज नो शेप, समझ में आ गया। ये तीनों को हमने डिफरेंशिएट कर लिया और ये उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। तो आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी इनमें? एनर्जी, डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, शेप एंड साइज। सॉलिड एनर्जी लो, डिस्टेंस लेस, फोर्स लार्ज, शेप फिक्स, साइज फिक्स। ये किसके लिए है? सॉलिड, लिक्विड एनर्जी मॉडरेट, मॉडरेट मतलब बीच का, डिस्टेंस मॉडरेट, फोर्स स्मॉलर, शेप नॉट फिक्स, साइज फिक्स। गैसेस, गैसेस में एनर्जी कैसी हो जाएगी? हाई, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस विल बी लार्ज, सो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्मॉलेस्ट ऑलमोस्ट जीरो, शेप नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। सो दीज आर दी थ्री स्टेट्स ऑफ इमटेरियल। बाद में जाके हम लोग थोड़ा सा वेपर और गैस, ये दोनों शब्दों में क्या अंतर है, इसको बाद में स्टडी करेंगे। ओके, ये की प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसमें सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, इनमें किस चीज का मेन डिफरेंस है? तो आंसर है, हम जो कर सकते हैं वो है एनर्जी का डिफरेंस। एनर्जी हमने उसको देना है या उससे विड्रॉ करना है, उससे उसका क्या चेंज हो जाएगा? स्टेट। जब स्टेट चेंज होगी, बाकी प्रॉपर्टीज उसमें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। तो स्टेट चेंज करने के लिए हमने क्या करना है? एनर्जी के चेंजेस करने हैं। एनर्जी देना या एनर्जी लेना, ये कौन सी एनर्जी से हमारे लिए पॉसिबल है? तो आंसर है हीट एनर्जी से, क्योंकि हम हीट को दे भी सकते हैं और हीट को ले भी सकते हैं। इसीलिए सबसे इजी मेथड एनर्जी देने लेने का कौन सा है? चीज को गर्म कर दो या ठंडा कर दो। सो हीट के एक्सचेंज से हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, एंड दिस इज अवर टॉपिक टुडे, कि हीट के एक्सचेंज से हम इसको चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। अच्छा, इसके लिए अब थोड़ी सी डेफिनेशंस और देखिए। जब हम किसी की एनर्जी का लेवल कम करते हैं,
एनर्जी का लेवल कम करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस ऐसा होगा, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड ऐसा होगा? करेक्ट। एनर्जी कम करते हैं तो गैस क्या बनेगी? और एनर्जी कम करेंगे तो ओके। अब एनर्जी की जगह हमने हीट एनर्जी शब्द लगाया, हीट एनर्जी कम करते हैं। हीट एनर्जी का इंडिकेटर कौन है? हीट एनर्जी का इंडिकेटर टेम्परेचर, जितना लेवल जाएगा। तो अब हम टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस किसमें कन्वर्ट होगी? लिक्विड। और लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा? सॉलिड। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? एनर्जी कम कर, लेकिन उसका इंडिकेटर कौन है? टेम्परेचर। इसलिए टेम्परेचर कम कर, तो टेम्परेचर कम करने से ये चीजें चेंज होती हैं। अब गैस का टेम्परेचर हमने कम किया, गैस का टेम्परेचर कम किया, करते 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 एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और हमने टेम्परेचर कम किया तो कम करते 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 एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सब टेम्परेचर्स हैं, इस टेम्परेचर के हमने नाम रखे और इनके पॉइंट रखे, तो उसको अब हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस को और उसके नाम को समझते हैं और वो कहां पर आते हैं उसको देखिए। ओके, इसी में ही काम कर लेते हैं। लिक्विड से सॉलिड बनना या सॉलिड से लिक्विड बनना, ओके, इस प्रोसेस का नाम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए क्या शब्द यूज करना है? मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग और लिक्विड से सॉलिड बनना, दैट इज फ्रीजिंग। इसको हम मेल्टिंग कहेंगे। इसी का दूसरा नाम है फ्यूजन। ये प्रोसेस का नाम फ्रीजिंग। ओके, ये इनके नाम। ये वाला टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड बनता है या सॉलिड लिक्विड बनता है, या एक मटेरियल दोनों स्टेट में इकट्ठा रह सकता है, जैसे वाटर के लिए जीरो डिग्री टेम्परेचर, जीरो डिग्री पे आप आइस को यहां पे रखिए वो आइस रहेगी, जीरो डिग्री पे पानी को रखिए वो पानी रहेगा। तो जीरो डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर वाटर और आइस दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और सॉलिड दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट इज टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल इन विच, लिखिए, मेल्टिंग पॉइंट इज टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल एट विच इट कैन एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। It can exist in the state of liquid as well as solid or together. मतलब एक मिक्सचर बनाएंगे जिसमें दोनों रहेंगे तो वो वैसा ही रहेगा मिक्सचर उस टेम्परेचर पर। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो गया? मेल्टिंग पॉइंट। अब उसके लिए हम लोग थोड़ा और आगे स्टडी करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी मटेरियल के लिए क्या फिक्स होता है? आंसर है नो, फिक्स नहीं होता। कोई भी एक चेंज के लिए, जैसे अल्कोहल को हमने ठंडा किया, ठंडा करते करते वो लिक्विड से सॉलिड बन गए, वो एक टेम्परेचर पे हमने देखा सॉलिड बन गए, लेकिन 6 महीने बाद जब हमने किया दूसरी जगह पर ले जाकर किया तो देखा किसी और टेम्परेचर पे वो सॉलिड बनती है। क्यों ऐसा डिफरेंस आया? हमने बाकी सब चीजों को चेक किया तो पता लगा एक जगह एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम था और एक जगह एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा। तो हमको ये समझ में आया कि प्रेशर से मेल्टिंग पॉइंट पर चेंजेस आते हैं। तो अब हम लोग
थोड़ा सा उसको नोट करेंगे कि प्रेशर से मेल्टिंग पॉइंट पर किस तरह के चेंजेस होते हैं। अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम करेंगे तो क्या होगा। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो पानी जीरो डिग्री पर आइस नहीं बनता, उसको हमको और ठंडा करना पड़ता है और वो -5 पे जाके सॉलिड बनेगा। और जीरो डिग्री पर वो किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा व्हेन प्रेशर इज हाई। एंड उसका उल्टा व्हेन प्रेशर इज लो तब वो जीरो डिग्री में किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड, और उससे ज्यादा होगा तो ओके। अब इस पर हम लोग आते हैं हाई प्रेशर में। हमने दो आइस के क्यूब लिए, दो आइस के क्यूब को दबाया, दबाने से उसका प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज होने से आइस के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर इंक्रीज होने से आइस के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, -5 के नीचे। और उसका टेम्परेचर है कितना, जीरो। हमने फ्रिज से निकाला, उसका टेम्परेचर जीरो है, जीरो टेम्परेचर। अगर उसका टेम्परेचर जीरो है तो वो कौन सी स्टेट में होगा, H2O किस स्टेट में होगा, लिक्विड, अगर प्रेशर हाई है। फिर से सुनिए, रेफ्रिजरेटर में से हमने निकाला, प्रेशर नॉर्मल है, उसका टेम्परेचर है जीरो या -1, जीरो या -1, किस स्टेट में बर्फ है, सॉलिड में। अब हमने दोनों हाथ से उसको दबाया, उसका प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज होने से जीरो या -1 में H2O किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो जो उसका जंक्शन है उस जंक्शन पर आइस पिघलनी शुरू हो गई, क्या बन गई, लिक्विड यानी पानी। किस जगह पर, जहां पर हमने उन दोनों को ऐसे आपस में दबाया, इस जंक्शन पर वो पानी बन गई, शुरू हुई पानी बनना। ओके, यहां पर पानी बना। अब पानी लिक्विड है और आइस सॉलिड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आंसर है कि अगर आप एक सॉलिड में एक सॉलिड को ऐसा मिलाएंगे तो ये दोनों के मॉलिक्यूल एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, आप इसको ऐसे अलग कर सकते, मिक्स नहीं होंगे। लेकिन अगर एक लिक्विड वाटर लेके ये दूसरा वाटर आप इसमें मिला देंगे तो दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा और वो वन बॉडी बन जाएगा। सॉलिड में वन बॉडी नहीं बनेगा, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, इन दोनों को हमने ऐसे मिलाया लेकिन ये वन बॉडी नहीं बनते, टू बॉडी ही रहते। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाया, दिस विल बिकम वन बॉडी। एक आइस का क्यूब दूसरा आइस का क्यूब ऐसा रखा हुआ है, सॉलिड सॉलिड, दोनों एक दूसरे में वेल्ड नहीं होते, वेल्डिंग नहीं होती है, तो कितने पीस है, दो, बोथ आर सेपरेटेड, दोनों को हम लोग अलग रख सकते हैं, ऐसा हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। लेकिन जब पानी बन गया तो एक पानी में दूसरे पानी को मिलाएंगे तो वो कैसी बॉडी बन जाएगी, वन या टू, वन। तो दो आइस के क्यूब को हमने दबाया, उसके बीच में पानी बना, और जिस जगह पर पानी बना वहां पर कैसी बॉडी बन जाएगी, वन। यहां पर पानी बन गया और वो वन बॉडी बन गई। उसके बाद हमने अपना प्रेशर जो दबाया हुआ था उसको हटा दिया, हटाने से वो फिर प्रेशर कैसा हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल प्रेशर में टेम्परेचर अभी भी उसका क्या है, जीरो या -1। नॉर्मल प्रेशर में जीरो से -1 क्या स्टेट आएगी, सॉलिड स्टेट। तो वो जो पानी बना था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वो कैसी बॉडी है, वन की टू, वन। अब क्या हुआ, नीचे से लेके ऊपर तक ऐसा हमने दबाया, लिक्विड बना, छोड़ा, फिर पूरा सॉलिड बन गया। पहले दो बॉडी थी, लिक्विड हुआ, आपस में मिक्स हो गया, ऐसा उठाया, फिर से सॉलिड बन गया, एक बॉडी बन गई। अब हम क्या देखते हैं, दोनों आपस में चिपक गए, ऐसा अलग नहीं हो सकते, दोनों की आपस में वेल्डिंग हो गई, इट हैज बिकम वन बॉडी। क्यों बना, समझ में आया। और ये फिनोमिना से क्या प्रूफ होता है कि प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट नीचे चला जाता है। ये बात समझ में आई, ओके। तो इसको आप नोट कर लीजिए, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड
when pressure is increased, the melting point decreases. When pressure is increased, the melting point decreases. And vice versa. इसी में एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है. ये एक आइस क्यूब है. इस आइस क्यूब को हमने यहां स्टैंड पे रख दिया और यहां पर इसमें एक तार लपेट दी. तीन तरफ से लपेट के इसके नीचे हमने ये एक वेट रख दिया. ये एक क्यूब है. इस क्यूब में ऐसे तार रखी इस तरह से और तार रखने के बाद इसके नीचे वेट रखा तो इस क्यूब ने इस तार को रोक लिया. अब हम क्या देखते हैं कि ये तार धीरे धीरे इसमें नीचे जाते जा रहे हैं. जो ऐसे थी तार यहां पर, ये ऐसे चली गई, फिर थोड़ी देर में ऐसे चली गई, फिर थोड़ी देर में ऐसे चली गई, फिर थोड़ी देर में ऐसे चली गई और फिर पार होके नीचे गिर गई. ठीक है, हम खुश हो गए कि आइस के दो टुकड़े हो गए. इसके बाद हम इसको उठाने गए, देखते हैं अभी भी ये एक टुकड़ा, बीच में कोई कट नहीं, पर तार इसके आर पार हो गई. ये कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं? तो आंसर है, जब यहां पर प्रेशर इंक्रीज होता है, जब यहां प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीरो डिग्री पे कौन सी स्टेट आ जाएगी? लिक्विड. तो यहां क्या बन जाएगा? पानी. पानी के अंदर तार जा सकती है. जैसे ही वो तार पानी के अंदर घुसती है, ऊपर जो पानी है उसका प्रेशर कैसा हो गया? कम. प्रेशर कम हो गया, जीरो डिग्री पे वो क्या बन गया? सॉलिड. ऊपर बर्फ जम गई. तो तार ने कहां दबाती है? नीचे की ऊपर? नीचे. तार ने नीचे दबाया, फिर नीचे क्या बन गया? हाई प्रेशर से लिक्विड. उस लिक्विड में तार अंदर चली गई. जैसे ही तार अंदर जाएगी, प्रेशर रिलीज हो गया, वो लिक्विड फिर क्या बन गया? सॉलिड. तार नीचे जाते जाती है और ऊपर सॉलिड बनते जाता है और लिक्विड को इस तरह से तार पार करते जाती है. लास्ट में आके तार यहां से निकल गई. इस पर कोई प्रेशर नहीं है और लो प्रेशर पे जीरो डिग्री पे क्या होगा? सॉलिड. तो ये पूरा का पूरा कैसा रहता है? सॉलिड. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट. तो ये अब आपको याद रहेगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट. ये जो होती है प्रोसेस, ये जो फिनोमिना मैंने आपको बताया कि प्रेशर लेने से सॉलिड लिक्विड बनेगा और प्रेशर को हटा लेने से फिर से वो सॉलिड बन जाएगा, ये फिनोमिना कहलाता है रेगुलेशन. ये इसको नोट करिए, रेगुलेशन. अगर इस पर वन लाइन नोट आता है, वन मार्क्स का, तो आप लिख सकते हैं. एक सेंटेंस में आपको लिखवा देता हूं, नोट करिए. रेगुलेशन इज द प्रोसेस in which when pressure is increased the solid converts to liquid and again on release of pressure, it converts back to solid. Okay, so this is regulation. ये अभी हमने पढ़ा melting के बारे में. तो melting की definition क्या बनी? It is a temperature at which liquid and solid both can coexist. Below this, the material will become solid. Above this, it will become liquid. ये हो गया effect on melting point. The pressure affects the melting point. If the pressure is increased, the melting point become lower. If the pressure is decreased,
the melting point become high, right? And the process regulation हुआ आपने लिख ली. Okay. Next is vaporization. Vaporization is the process when a liquid converts to vapor. When the liquid converts to gas state, the process is known as vaporization. Boiling point of liquid. Okay, the temperature at which vaporization takes place is known as boiling point. The boiling point for water is 100 degrees Celsius at normal pressure. Okay. Next likhiye, effect of pressure on boiling point. Effect of pressure on boiling point. Normal pressure for water हंड्रेड डिग्री लिक्विड वेपर ओके जी रिलेट करके अब इसको देखकर आप बताएंगे अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर है 110 H2O का टेम्परेचर 110 प्रेशर इज इंक्रीज तो H2O किस स्टेट में है लिक्विड 120 तक कैसा है लिक्विड अगर हम और प्रेशर बढ़ाएंगे तो 150 तक भी कैसा रहेगा लिक्विड ठीक अच्छा अगर प्रेशर कम है तो 90 डिग्री पर H2O किस स्टेट में मिलेगा वेपर अगर हमको लिक्विड चाहिए तो कहां तक मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा गर्म 80 उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा
उसके बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, जब हम पहाड़ पर जाते हैं वहां प्रेशर कम होता है, पानी को गर्म करना शुरू किया, लिक्विड है 80 डिग्री तक कैसा रहेगा? लिक्विड। उसके बाद वो क्या बन जाएगा? वेपर। लिक्विड से वेपर बनता है, पानी उबलता है, उबल कर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहाड़ पर हम जाते हैं और दाल बनाने के लिए रखते हैं, पानी में दाल डाल के उबालते हैं उसको। जब वो उबल रहा होता है तो उसका टेम्परेचर बताइए, 80 डिग्री, क्योंकि प्रेशर कम है। तो दाल को लगातार कितना टेम्परेचर मिलता है? 80। जब हम यहां अपने घर पे बनाते हैं तो उसको कितना टेम्परेचर मिलता है? 100। तो 100 पर दाल गलती है, 80 पे दाल नहीं गलती, इसलिए पहाड़ पे जाने से दाल नहीं गलती। समझ में आ रहा है? तो खाना बनाने में इसलिए मुश्किल होती है, राइट? तो उसका फिनोमिना क्या है? When the pressure is low, the melting point of the liquid always decreases. याद रहेगा? अच्छा। अब अगर ऐसा सच है तो उल्टा भी सच होगा कि अगर हम दाल यहाँ 100 डिग्री पर पकाते हैं 2 घंटे में पकती है, लेकिन अगर 120 पे पकाएंगे तो 15 मिनट में पक जाएगी। लेकिन 120 पर पानी को लिक्विड रहना चाहिए, गैस नहीं बननी चाहिए। कैसे हो सकता है? प्रेशर को हमने क्या किया? इंक्रीज करने से 120 तक गर्म हो गया, अभी तक वो क्या है? वाटर, और उसमें दाल रखी है, तो दाल को भी क्या टेम्परेचर मिला? 120 मिला, तो वो 10-15 मिनट में पक गई, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर सबके घर में है। जब हम उसका लिड बंद कर देते हैं और अंदर वाटर को बॉईल करते हैं तो स्टीम बनती है, स्टीम एक्सपेंड होती है, उसको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, वहां वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, कुकर का वॉल्यूम फिक्स है, हमने ढक्कन बंद कर दिया है, तो प्रेशर इंक्रीज होते जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने आप कहां चला गया? 120, और 120 के नीचे किस स्टेट में होगा? वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो उसके अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 120, 130, 140, इतना टेम्परेचर होता है। और उस हाई टेम्परेचर के कारण खाना जल्दी बन जाता है, दाल जल्दी पक जाती है। तो दिस इज एक्शन ऑफ प्रेशर कुकर। समझ में आ गया? तो ये प्रेशर के इफेक्ट है, ओके? इसको नोट कर लीजिए। प्रेशर इंक्रीज होने से या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, द बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज, ओके। ये कौन सी प्रोसेस है? दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि हम लोग वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। जैसे हमने एक ग्लास में एकदम आइस कोल्ड वाटर लिया, यहां से एयर टच होती है उसमें, और एयर में जो H2O के पार्टिकल वेपर स्टेट में है, जब इसके कांटेक्ट में आते हैं तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके चारों तरफ पानी जम जाता है। ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? कंडेंसेशन। तो वेपोराइजेशन ऐसा, लिक्विड से वेपर, और अगर वेपर से लिक्विड बनेगा तो हम इसका नाम बदल के क्या कर देंगे? कंडेंसेशन, ओके। अब इसके बाद एक छोटी सी प्रोसेस और, आप लोग सब उसके बारे में पढ़ चुके हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या कन्वर्शन होता है? सो देयर आर सर्टेन मटेरियल एलिमेंट्स विच when heated convert directly from vapor to solid, when heated convert solid to vapor, and when they are cooled down then they convert directly from vapor to solid. This process is known as sublimation, okay. So
सब्लिमेशन में किसी मटेरियल का एग्जांपल आपको याद है? मेथिलीन बॉल्स, यस, सॉलिड CO2, एम्फर, ये सब एग्जांपल्स हैं सब्लिमेशन प्रोसेस के. ओके, किस टेम्परेचर पर कौन सा मटेरियल, आप ध्यान दीजिए, किस टेम्परेचर पर मटेरियल किस स्टेट में रहेगा, ये हम लोग लैब में स्टडी करते हैं और लैब में स्टडी करके उसका एक ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ में क्या चीजें नोट करते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है और उसकी स्टेट कौन सी. तभी हमको ये सब नॉलेज हुआ कि टेम्परेचर, प्रेशर और स्टेट ये तीनों आपस में कैसे चेंज होते हैं. और अभी वो पॉइंट हमको स्टडी करना है, वो ग्राफ स्टडी करना है. और ये ग्राफ हमको क्या बताता है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड स्टेट. एक प्रेशर टेम्परेचर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन पर कोई भी मटेरियल तीनों स्टेट में एक साथ रह सकता है. फिर से इस बात को सुनिए, मेल्टिंग पॉइंट पर मटेरियल कौन कौन सी स्टेट में रहता है, लिक्विड एंड सॉलिड. ओके, बॉइलिंग पॉइंट पर कौन कौन सी स्टेट इकट्ठी रहती है, लिक्विड एंड वेपर. एक ऐसा पॉइंट होता है, वो प्रेशर और टेम्परेचर का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ रह सकते हैं. इस पॉइंट का नाम हमने दिया ट्रिपल पॉइंट. सो व्हाट इज ए ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट इज, नोट करिए, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर ए मटेरियल. For a material at which it can exist, at which it can exist in all the three states together. It can exist in all the three states simultaneously. ओके, दिस इज ट्रिपल पॉइंट. तो ट्रिपल पॉइंट कोई ऐसा विशेष डिफिकल्ट चीज नहीं है, तो आपको ये इसकी डेफिनेशन याद रखनी, ये कॉम्बिनेशन है प्रेशर और टेम्परेचर. तो इसमें खाली एक रीडिंग नहीं होगी कि ट्रिपल पॉइंट से टेम्परेचर पर होता है, उसके साथ हमको क्या बताना पड़ेगा कि उसका प्रेशर भी इतना होता है, उस समय ये चीज एग्जिस्ट करेगी. अब इसके लिए हम ग्राफ स्टडी करते हैं. तो दो ग्राफ आपकी बुक में दिए हुए हैं, एक वाटर का और एक CO2 का. ओके, तो वाटर का ग्राफ देखिए, प्रेशर, टेम्परेचर एंड स्टेट तीनों के लिए, पानी के लिए ये ग्राफ है इसका, तीनों स्टेट का. H2O वाटर, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, तो ये किस स्टेट में पाया जाएगा. फिर से सुनिए, टेम्परेचर कितना बोला, 10 डिग्री और प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेरिक. तो यहां पर हमने ढूंढा 10 डिग्री, ये -220 है, ये 0 है, 0.01 ये वाला टेम्परेचर, और 1 डिग्री या 10 डिग्री यहां कहीं होगा, 10 डिग्री और एटमॉस्फेरिक कितना, 1. तो यहां से ये एटमॉस्फेरिक 0.006 ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, 1 प्रेशर यहां कहीं होगा. तो देखिए, ये है 10 डिग्री,
और ये प्रेशर है वन, वन प्रेशर 10 डिग्री यहां पर आया, इधर ध्यान दो, 10 डिग्री वन एटमॉस्फेरिक, दोनों ने यहां इंटरसेक्ट किया, ये वाला कौन से खाने में आ रहा है, ये वाला कौन सा सेक्शन है लिक्विड, ये वाला सेक्शन कौन सा है वेपर, और ये वाला सेक्शन सॉलिड, ठीक है। फिर से मेरी बात को सुनिए, अगर टेम्परेचर है 5 डिग्री एटमॉस्फेयर टेम्परेचर प्रेशर 1, 5 डिग्री 1 क्या है लिक्विड, अब हमने प्रेशर को कम कर दिया और प्रेशर को कम करते करते कर दिया 0.002, टेम्परेचर कितना 5, टेम्परेचर है 5 और प्रेशर 0.002, इसके भी नीचे यहां पर ये वाला पॉइंट, अभी स्टेट कौन सी है वेपर, तो वाटर किस स्टेट में पाया जाएगा वेपर में पाया जाएगा, कुछ बात समझ में आई ओके। अब हमने क्या किया, पानी का टेम्परेचर बढ़ाया, फिर से सुनिए, पानी का टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 30 डिग्री, अभी जो रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री, और उसका प्रेशर भी बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो वो किस स्टेट में चला जाएगा लिक्विड, लेकिन अगर हम उसका प्रेशर कम करते जाएंगे तो एक प्रेशर के बाद ये वाला प्रेशर आया, तो इस प्रेशर में वो क्या होगा वेपर, तो जैसे ही प्रेशर कम करते जाते हैं लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है वेपर, ये हमको इससे पता लगा। फिर से, प्रेशर को कम करने से लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है वेपर, ये कौन सी प्रोसेस है बॉइलिंग यहां पर, तो अगर हम चाहें तो यहां पर 50 डिग्री, क्या 50 डिग्री पर पानी उबल सकता है, आंसर है यस, उबल सकता है, प्रेशर कैसा करना होगा कम करना होगा। इस तरह से हम देखते हैं, यहां पर मान लीजिए 100 डिग्री है, 100 डिग्री वन एटमॉस्फेयर, अगर हम 100 से कम टेम्परेचर करते हैं ये 50 डिग्री, अगर वन प्रेशर है तो लिक्विड है, प्रेशर को कम करते जा रहे हैं, जैसे ही इसके नीचे प्रेशर आता है वो किसमें कन्वर्ट हो गया yes। फिर से देखिए, अभी रूम टेम्परेचर क्या है 30, यहां कहीं पानी रखा है तो क्या वो उबलता है, नहीं उबलता, ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री पे हमने प्रेशर इतना कम कर दिया 0.1, अगर 0.1 कर दिया तो ये प्रेशर यहां आ गया 30 डिग्री 0.1 टेम्परेचर, किस स्टेट में मिलेगा वेपर, तो अगर इतना कम टेम्परेचर कर देंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा उबलेगा, तो उस पानी को हम रूम टेम्परेचर पर भी उबाल सकते हैं, उबाल के वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है और हम लोग स्कूल में इसको करते हैं, ये एक फ्लास्क में लिक्विड रख के हमने इसको उबाल लिया और यहां पर थर्मामीटर लगाया, ये थर्मामीटर लगाने से इसने हमको टेम्परेचर दिखाया 100 डिग्री और पानी उबल रहा है, यहां पर हमने एक ट्यूब लगाई है और इससे स्टीम बाहर निकल जाती है, तो जैसे ही हम इसको उबालते हैं यहां पर जितनी एयर है उस एयर को ये प्रेस करके बाहर निकाल देती है स्टीम और यहां स्टीम भर जाती है। उसके बाद हमने क्या किया, उबालना बंद किया, उबालना बंद करके इसका यहां से क्लोज कर दिया, इसका मुंह बंद कर दिया और इस पर ठंडा पानी डाला, ठंडा पानी डालने से यहां पर जो स्टीम बनी थी वो स्टीम का टेम्परेचर कम हुआ, वो वापस कंडेंस होके वाटर बन गई, जब ये वाटर बन गई तो इसकी जगह खाली हो गई, जगह खाली होने से एयर को वापस खींचेगी, पर हमने इसका मुंह बंद कर दिया, एयर वापस नहीं जा सकती, तो क्या होगा, अंदर में वैक्यूम क्रिएट हो गया,
क्योंकि वेपर तो उसकी लिक्विड बन चुकी है, हवा को जाने नहीं दिया, तो उसमें बहुत थोड़ी सी जो भी हवा थी उसके कारण उसका प्रेशर बहुत कम हो गया। अगर प्रेशर कम हो गया, अगर प्रेशर कम हो गया तो किस स्टेट में आ जाएगी? वेपर। वेपर में आने के लिए पानी को क्या करना पड़ता है? उबलना पड़ता है। तो जैसे ही हम यहाँ पानी डालते हैं, हटाते हैं, तो क्या देखते हैं? ये पानी फिर से उबलना शुरू हो गया। हाथ लगाते हैं तो देखते हैं रूम टेम्परेचर है पर पानी उबल रहा है। क्यों उबल रहा है? क्योंकि उसका प्रेशर कम हो गया और उसका बॉइलिंग पॉइंट नीचे चला गया, तो रूम टेम्परेचर पर ही वो पानी उबलना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द लोअरिंग ऑफ द प्रेशर। ये बात समझ में आए? ओके, अब यहां पर देखिए ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन में टेम्परेचर कितना है? 0.01 से भी कम, मींस जीरो से कम। प्रेशर कितना है? 0.006। यहां पर वाटर की स्टेट बताइए, वाटर किस स्टेट में है? सॉलिड, लिक्विड की वेपर? तो आप इसको देखेंगे, ये लाइन, ये ऐसी है, इसके नीचे किसका एरिया है? वेपर। यहां पर लिक्विड और यहां पर सॉलिड, तो यहां पर वाटर किस स्टेट में है? वेपर। अगर इसका प्रेशर हम थोड़ा सा ज्यादा कर दें, सॉलिड, वाटर लिक्विड बना क्या? नहीं बना। ओके, तो इसका क्वेश्चन क्या हुआ? इज इट पॉसिबल दैट वी कन्वर्ट आइस डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू लिक्विड? आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। इट्स टेम्परेचर शुड बी लोअर देन 0.01 एंड द प्रेशर शुड बी लोअर देन 0.006 एटमॉस्फेरिक। देन व्हाट विल हैपन इफ वी डिक्रीज द प्रेशर फर्दर? द वॉटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर द वॉटर विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड विदाउट बिकमिंग लिक्विड। ओके, तो इस तरह से इस टेम्परेचर से नीचे अगर टेम्परेचर आ गया तो कन्वर्शन डायरेक्ट हो जाएगी किस किस में? सॉलिड और वेपर। इस तरह से वैसे ही ये वाले कन्वर्शन कौन से हैं? सॉलिड एंड लिक्विड। थोड़ा इसको देख के प्रेशर का इफेक्ट बताइए, सॉलिड और लिक्विड में क्या होगा? फिर से ये एक टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर उससे कम टेम्परेचर है और प्रेशर कैसा है? ज्यादा। अगर प्रेशर इंक्रीज कर दें, अगर प्रेशर हम इंक्रीज कर दें तो सॉलिड लिक्विड का टेम्परेचर कैसा हो जाता है? कम कि ज्यादा? फिर से, अगर हमने प्रेशर यहां से इंक्रीज कर दिया तो ये वाला पॉइंट कहां आ गया? यहां आ गया, ये आ गया हाई प्रेशर पे। इसका हमने टेम्परेचर निकाला, ये वाला टेम्परेचर है, टेम्परेचर 0 से भी 1। मान लो ये टेम्परेचर है -5 टेम्परेचर, तो -5 से, इधर ध्यान दो, -5 से कम टेम्परेचर करेंगे कौन सी स्टेट होगी? -5 से ज्यादा किया तो प्रेशर कैसा है? हाई। तो हाई प्रेशर पर -5 क्या टेम्परेचर बन गया? सॉलिड बनने का टेम्परेचर बन गया, राइट? दैट इज व्हाट? मेल्टिंग पॉइंट। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? डिक्रीज की इंक्रीज, डिक्रीज। ये हमने ऑब्जर्व किया, ये हमारे ऑब्जर्वेशन है, वी आर नॉट टेलिंग द रीजन। हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जब हमने प्रेशर और बढ़ा दिया तो मेल्टिंग पॉइंट और कैसा हो गया? कम। मेल्टिंग पॉइंट कहां है? ये वाली लाइन पे, क्योंकि ये लाइन किसके बीच की है? सॉलिड लिक्विड। तो ये क्या शो करती है? मेल्टिंग। ये वाली लाइन बताइए क्या शो करती है? वेपर, लिक्विड, लिक्विड टू वेपर क्या होता है? बॉइलिंग या वेपराइजेशन? बॉइलिंग। ओके, और ये वाली लाइन क्या शो करती है? सब्लिमेशन, सॉलिड एंड वेपर, दिस इज सब्लिमेशन। ठीक है,
अब थोड़ा थोड़ा ये फिगर समझ में आ रहा है, कभी भी हमको प्रेशर और टेम्परेचर बताया जाएगा तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि वो वाला मटेरियल कौन सी स्टेट में होगा, नंबर एक। नंबर दो, प्रेशर इंक्रीज करके डिक्रीज करके बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट का क्या हो रहा है, वो हम इसको देखकर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रेशर इतना है, प्रेशर को हमने कम किया, इतना प्रेशर को कम किया तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, कम कि ज्यादा, किधर किसका है ये, लेफ्ट कि राइट। यस, हाई प्रेशर पे इतना, लो प्रेशर पे इतना, इधर आ गया। तो अगर हमने प्रेशर लो किया तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। यहां से पता लगा, उसी को आपने पहले याद वो चीज हम इससे बता सकते हैं। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे हम देखते हैं टेम्परेचर किधर जाते जा रहा है, हाई होते जा रहा है, राइट। इस तरह से तो ये देखिए एक खास चीज, इसमें टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं, ओके। इस टेम्परेचर पर ये वाला एक पर्टिकुलर मान लीजिए टेम्परेचर है, इस पर लिक्विड, इस पर ये क्या चीज है, यहां पर प्रेशर हमने कम किया तो ये क्या बन गया, वेपर। प्रेशर ज्यादा किया तो क्या बन गया, लिक्विड। तो जब हम प्रेशर ज्यादा करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड। अच्छा, ये जाते जाते ये ग्राफ ऐसा हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये ग्राफ जाके ऐसा हो गया। अब अगर ये वाला टेम्परेचर हम पानी का ले आए, ये वाला टेम्परेचर ले आए, ये कौन सी स्टेट है, वेपर। प्रेशर को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, क्या हम कभी लिक्विड वाले एरिया में एंटर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है कि जब हम पानी को उस टेम्परेचर से भी ज्यादा गर्म कर देंगे तो जितना मर्जी आप प्रेशर बढ़ा लीजिए वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। दिस इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ये आपके सिलेबस में नहीं, पहले हुआ करता था, अभी हटा दिया गया है। तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर नोट कर सकते हैं आप, क्रिटिकल टेम्परेचर केमिस्ट्री में है, इसीलिए शायद फिजिक्स से हटा दिया होगा, ओके। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर such that beyond this temperature, such that beyond this temperature the material will remain in vapor state, the material will remain in gas state whatever is the pressure, whatever is the pressure। अब यहां पर जो मैं ये आपको बता रहा हूं किस लिए, दो शब्द आप पढ़ते हैं, वेपर और गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, इधर ध्यान दीजिए, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे अगर H2O है तो क्या हम उसको लिक्विड बना सकते हैं, आंसर है यस। प्रेशर बढ़ा बढ़ा के बना सकते हैं। हमने इसका ये कितना है 374, रूम टेम्परेचर पे 100 पे बॉइल हो जाता है, हमने टेम्परेचर कर दिया 300, क्या बन गया वो, स्टीम। लेकिन हम उसका प्रेशर बढ़ाते चले, 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, वो फिर से क्या बन गया, लिक्विड। तो वो वाला 200 टेम्परेचर वाला लिक्विड जो H2O है वो प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड बन सकता है। लेकिन अगर हमने इसको 400 कर दिया तो आप प्रेशर बढ़ाइए, क्या वो कभी भी लिक्विड बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अब हम बोलेंगे वो गैस है, H2O गैस। पहले क्या था, H2O की वेपर। वेपर को आप प्रेशर बढ़ाकर कंडेंस करके लिक्विड बना सकते हैं, गैस को नहीं बना सकते। ये दोनों में टेक्निकली हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया कि ये वर्ड्स कब यूज करने हैं। तो गैस वर्ड हम कब यूज करते हैं, उसका प्रेशर बढ़ाइए वो लिक्विड नहीं बनेगी, ठीक है। और वो वेपर स्टेट में कब होती है,
जब प्रेशर बढ़ाने से वो लिक्विड बन सकती है, भले रूम टेम्परेचर पर वो गैस स्टेट में हो। जैसे अभी यहां हवा में मॉइस्चर है, H2O के पार्टिकल्स हैं, तो वो वेपर स्टेट में है कि गैस स्टेट में है? नो, दे आर इन वेपर स्टेट, क्योंकि अभी अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो उसकी हम चेंज कर सकते, उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। सो दे आर इन वेपर स्टेट। और गैस स्टेट में कब आएंगे? जब टेम्परेचर कैसा होगा? वेरी हाई, तब जाकर आप प्रेशर कम ज्यादा करिए, वो नहीं बदलेगा। इसी तरह से क्रिटिकल प्रेशर भी होता है। तो क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर होता है जब आप टेम्परेचर को कितना भी कम करो वो लिक्विड नहीं बनेगी, गैस, वो क्या हो गया उसका? क्रिटिकल प्रेशर। तो एनीवे ये दोनों अब चूंकि केमिस्ट्री में चले गए इसलिए हम लोग इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सो दिस इज अबाउट द थ्री स्टेट्स। एक छोटी सी चीज अब हमको और पढ़नी है, दैट इज लेटेंट हीट। ओके, लेटेंट हीट, हीट एनर्जी होती है, और ये हीट और एनर्जी जब हम देते हैं तो स्टेट चेंज होती है, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू वेपर। ओके, जब हम किसी चीज को हीट देते हैं, उसमें हीट जा रही है या नहीं जा रही है हमको कैसे पता लगता है? उसके साथ हमने एक थर्मामीटर लगा दिया और थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ते जाता है और हमको पता लगता है उसमें क्वांटिटी ऑफ हीट एंटर कर रही है, और हमने एक रिलेशन बनाया हुआ है क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अगर ये टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो मतलब क्यू भी बढ़ रहा है, उसमें इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीट की क्वांटिटी कम हो रही है, ये पता लगता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस लिक्विड को, वाटर को हमने गर्म किया, गर्म करते 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 100 तक पहुंच गया, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमको मालूम है उसमें हीट जा रही है। फिर हम क्या देखते हैं कि 100 पे जाके वो रुक गया, अब हम उसको हीट दे रहे हैं, गैस जला रहे हैं, उसके अंदर हीट एंटर कर रही है लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है और ये हमारे पास ये जो इतना लिक्विड भरा हुआ था, ये लिक्विड गर्म करने से ये टेम्परेचर दिखाता है 100, और ये लिक्विड बॉयल होके इतना हो गया, अभी भी दिखा रहा है 100, अभी भी हीट ले रहा है। फिर ये बॉयल होके इतना हो गया, इतना उड़ गया, अभी भी क्या दिखा रहा है? 100। तो हमने कहा कि हमारे जो हीट हम दे रहे हैं, हीट जा कहां रही है? क्यों? टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, तो हीट कहां जा रही है? हमारे फॉर्मूले का क्या हुआ? तो यहां पर हमने एक दूसरा फिनोमेना बनाया कि जब टेम्परेचर इसको नहीं दिखाता है और ये हीट ले रहा है तो हीट क्या काम कर रही है? तो आंसर है हीट इसके स्टेट को चेंज कर रही है। हीट किस में बिजी है? स्टेट को चेंज करने से। तो याद रखिए हीट दो काम कर सकती है, या तो टेम्परेचर बढ़ाएगी या स्टेट को चेंज करेगी। फिर से, अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही तो मटेरियल या तो लिक्विड रहेगा या सॉलिड रहेगा या गैस रहेगा, एक ही स्टेट में रहेगा, और हीट लेगा तो उसका टेम्परेचर जरूर बढ़ेगा, ठीक है? तो अगर वो हीट लेगा तो क्या निशानी है? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ प्रिंसिपल हैं, वो हम लोग फिर पढ़ेंगे कि अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो हो सकता है खाली वॉल्यूम बढ़ेगा, पर कुछ ना कुछ एक्शन होगा। एनीवे वो थर्मोडायनेमिक्स अलग लेंगे, अभी आप सिर्फ दो चीजें याद रखेंगे कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको हीट दी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा अगर उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही। दूसरा काम क्या हो सकता है? दूसरा स्टेट चेंज हो सकता है। हमने देखा हीट देने से स्टेट चेंज होता है, पर एक नियम हमने देखा कि जब स्टेट चेंज होती है उस समय टेम्परेचर पे कोई डिफरेंस नहीं आता। तो हीट एक टाइम में एक ही काम कर सकती है, या तो टेम्परेचर बढ़ा सकती है या स्टेट चेंज कर सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको याद रखना है, एक टाइम में एक काम, या तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे या जिस समय हीट टेम्परेचर बढ़ा रही होगी उस समय वो स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, और जिस समय स्टेट को चेंज कर रही होगी उस समय टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकती। जैसे हमने बर्फ का एक टुकड़ा लिया, बर्फ का टुकड़ा लेके उसको पिघलाना शुरू किया, उसमें नीचे बॉइल किया, हमको पानी से चाय बनानी,
तो उसमें 100 ग्राम आइस थी, उसको हमने हीट करना शुरू किया, उसमें से 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम 50 ग्राम आइस पिघल गई, 50 ग्राम वाटर बन गया। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, अब ये 50 ग्राम कुछ गर्म भी तो होगा, लेकिन हम क्या देखते हैं उसका टेम्परेचर जीरो है। 99 ग्राम बर्फ पिघल गई तब भी टेम्परेचर क्या है, जीरो, जबकि उसके नीचे हमने गैस लगाई हुई है, ये पूरी बर्फ अभी सिर्फ 1 ग्राम बची है, 99 का क्या बन गया है, पानी। पर ये पानी का टेम्परेचर अभी भी जीरो है, ये 1 डिग्री भी नहीं चढ़ेगा। क्यों नहीं चढ़ेगा, 1 ग्राम बर्फ बाकी है, अभी हीट क्या काम कर रही है, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट कर रही है, तब तक टेम्परेचर को वो नहीं बढ़ा सकती। समझ में आया, तो जब स्टेट चेंज होती है तो हीट पर पहला राइट किसका हो जाता है, स्टेट कन्वर्शन। जब तक आखिरी मॉलिक्यूल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, हीट इसका टेम्परेचर बढ़ाने का काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही इसका आखिरी मॉलिक्यूल खत्म हो गया, अब ये पूरा क्या बन गया, लिक्विड, अब हीट देंगे तो हीट क्या काम करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी। अच्छा, अब हमने क्या सोचा कि हम इसको हीट देते हैं तो थोड़ा सा पोर्शन इसका, पहले इसमें 4 कप पानी डाला है, पहले 1 कप उबल जाएगा, फिर दूसरा उबलेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो 1 कप से पहले हम स्टीम ले लेंगे, हमको यहां पर स्टीम चाहिए। अगर हमको यहां पर स्टीम चाहिए, हमने इसको उबालना शुरू किया, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री, तो हमने कहा कि इसको तेजी से गर्म कर लेते हैं, यहां का पानी 100 डिग्री हो जाएगा और स्टीम हमको मिल जाएगी, इधर इधर वाला 10 पे पड़ा हुआ पड़ा रहे, पर नहीं होता, पूरा का पूरा पानी पहले 10 से 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 90 होगा, फिर 100 होगा, बड़ी एकता होती है। तो जब आखिरी मॉलिक्यूल 100 हो जाएगा तो फिर एक मॉलिक्यूल क्या बनेगा, स्टीम। जब तक 100% मॉलिक्यूल उसके 100 पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक एक भी मॉलिक्यूल स्टीम नहीं बनेगा, और उसके बाद फिर क्या शुरू होगा, लिक्विड टू स्टीम बनना, तो लिक्विड से वेपर बनेगी, दैट इज अगेन स्टेट चेंज। जैसे ही स्टेट चेंज होनी शुरू हो जाती, क्या बंद हो जाएगा, टेम्परेचर बदलना बंद हो जाएगा, 100 पे टेम्परेचर रुक गया। अब क्या करेंगे, सब मॉलिक्यूल बारी बारी से वेपर में कन्वर्ट होंगे, स्टीम में कन्वर्ट होंगे, कब तक, जब तक आखिरी मॉलिक्यूल कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक वो स्टीम का टेम्परेचर 100 से 101 नहीं जाएगा। पहला मॉलिक्यूल 100 से गर्म होके स्टीम बन गया, वो खड़ा है कि मुझे और हीट चाहिए, तो मेरा टेम्परेचर 101 हो जाए, नहीं मिलेगा उसको, कब तक नहीं मिलेगा, जब तक लास्ट मॉलिक्यूल लिक्विड का स्टीम नहीं बन जाता। समझ में आ गया, तो बड़ा अच्छा डिसिप्लिन होता है उनका, और ये नियम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बेसिस पर किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, बट यू वंस यू नो द फंडामेंटल प्रोसेस कि इस तरह से होती है। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी हीट की क्वांटिटी MST होती है, ये तो हम लोग पहले कर चुके थे। जिस समय स्टेट चेंज होती है उस समय भी हमने हीट का मेजरमेंट किया, और उसमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 1 kg मटेरियल लीजिए और उसका स्टेट चेंज करिए विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे वो हमने लिक्विड को गर्म करते गए टेम्परेचर देखते गए, अल्कोहल है मान लो हमारे हाथ में, और 72 टेम्परेचर पहुंचा, उसके बाद वो बढ़ना बंद हो गया। अब हम उसको हीट दे रहे हैं, अब हमको मालूम है हमारी हीट टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं आ रही, क्योंकि टेम्परेचर तो 72 फिक्स हो गया। अब 1 किलो अल्कोहल को टोटली लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने में जितनी हीट खर्च होगी उसको हम बोलेंगे वो उसकी लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट के साथ 2 शब्द आप और चिपका सकते हैं, कैसे, कौन सा कन्वर्शन हो रहा है। इफ इट इज ए कन्वर्शन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, देन इट इज ए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, राइट। और दूसरा क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड के लिए जो मर्जी नाम लगा दीजिए, यस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पिघलने की लेटेंट हीट, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट होती है। सो व्हाट इज लेटेंट हीट, नोट करिए,
latent heat is the heat required to convert, latent heat is the heat required to convert 1 kg of substance from one state to other state. From one state to other state without change in temperature. ठीक है, ओके, सो दिस इज लेटेंट हीट. थोड़ा सा नोट करिए, वॉटर मेल्टिंग पॉइंट 0 degree, लेटेंट हीट 3.33 × 10⁵ जूल पर केजी. इसका यूनिट होगा. ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वॉटर. इसके बाद अगला इसका डाटा नोट करिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन जब हम बोलेंगे तो वॉटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? हाँ, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर. और इसे नोट करिए, बॉइलिंग पॉइंट 100 degree, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 22.6 × 10⁵ जूल पर केजी. ओके, तो 1 किलो आइस से 1 किलो वाटर बनाना है, कितनी हीट लगेगी? 3.33 × 10⁵ जूल. लेकिन 1 किलो वाटर से 1 किलो स्टीम बनानी है तो कितनी लगेगी? 22.6, करेक्ट. अच्छा, तो ये हो गया वाटर के लिए. वैसे ही बाकी सब चीजों के लिए एक चार्ट बना हुआ है, आपके बुक में है, आप जब चाहे इसको कंसल्ट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं. इसके नॉलेज के बाद जो एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं, वो काफी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा भी जाता है, एक क्वेश्चन की एक न्यूमेरिकल की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. किस तरह से हमारे पास नोट करिए, 0.15 kg ऑफ आइस एट 0 degree Celsius. 0.15 kg ऑफ आइस एट 0 degree Celsius इज मिक्स्ड विथ 0.30 kg ऑफ वॉटर. 0.30 kg ऑफ वॉटर एट 50 degree Celsius. In a container. The resulting temperature is 6.7 degree Celsius. Calculate heat of fusion of ice. ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक हीट सबको याद है, 4186 जूल्स पर केजी
पर केल्विन। ओके, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। हीट कौन देगा? जो हॉट ऑब्जेक्ट है। हीट रिसीव कौन करेगा? जो कोल्ड ऑब्जेक्ट, राइट। तो दोनों तरफ अब आप इसको फिलअप करिए। गर्म चीज कौन सी थी? वॉटर। फाइनल किस टेम्परेचर पे आ गई? 6.7। स्टार्ट कहां से किया? 50। तो वॉटर ने कितनी हीट लूज की आप निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला से? क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर की स्टेट। गुड, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एमएसटी, ठीक है। उसके बाद हीट गिवन, हीट एब्सॉर्ब। हीट एब्सॉर्ब पहले किसने की? आइस ने। आइस से पहले क्या बना? वॉटर। जब आइस से वॉटर बनता है तो हीट एब्सॉर्ब के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? आइस से वॉटर बनेगा तो क्या फॉर्मूला यूज करना है? Q इज इक्वल टू एम एल। एल इज वॉट? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हमको निकालना है और M हमको दिया गया। तो हीट एब्सॉर्ब, हीट एब्सॉर्ब में पहले क्या आ जाएगा? 0.15 इंटू एल। दिस इज हीट एब्सॉर्ब इन चेंज ऑफ स्टेट प्लस। अब देखिए प्लस, ये जब पानी बनेगा तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? जीरो। उस जीरो से उठ के ये कहां तक आया? 6.7। तो अब ये जो हीट लेगा उसका फॉर्मूला क्या लगाओगे? फिर से ध्यान दीजिए, आइस को कहां तक आना है? 6.7। पहले जो वो हीट लेता है आइस से वाटर कन्वर्ट होने में, उसका फॉर्मूला क्या है? एम एल। जब जीरो में आ गया, जीरो से 6.7 आने में किस फॉर्मूले से हीट लेगा? एमएसटी। अच्छा, ये हीट लेने वाली बात। हीट देने वाला पहले किस टेम्परेचर पे था? 50। फिर किस टेम्परेचर पे आ गया? 6.7। वाटर का वाटर ही है, स्टेट चेंज नहीं हुआ, इसलिए हीट किस में कैलकुलेट होगी? एमएसटी। तो हीट देना किससे होगा? एम इंटू एस इंटू ये डेल्टा टी बनेगा। ओके, इसको बनाइए और बना के इसका आंसर लेके आइए। दैट इज 3.34 जो आपने नोट किया हुआ है, 10 टू द पावर 5 जूल, वही आएगा इसका आंसर।